नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। ये 54 है। आप अगर कहीं जॉब पे जाएंगे तो पता क्या बोलेंगे कि अरे अभी आपकी एज नहीं है, है ना, तो आप 30 का होते या 25 का होते। लेकिन हमारी फिल्में ऐसी कि आ जाओ भाई, अगर टैलेंट है तो आ जाओ काम कर लो। तो ये सबसे बड़ी सबसे बड़ा एक कोई एज लिमिट नहीं है। ये मथुरा से आए हो ना तुम ये बहुत अच्छा एक्टर है, ये बहुत ही बढ़िया एक्टर है। हाँ, मैं ऐसी बात कर रहा, इसकी मम्मी मुझे बोल रही थी बैठ बैठ, तो आप बैठो आराम से। तो कोई एज लिमिट, आप 54 साल के हो, आप 34 साल के हो, आप 60 साल के हो, तो कोई लिमिट नहीं है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि मैं ये कर पाऊँगा। तो हमारी लाइन बड़ी जल्दी यू नो कबूल करती है। तो ये फंडा है, कर पाऊँ जैसा मैं हूँ सामने दिखता हूँ। हाँ, मैं जैसा हूँ वो हूँ आपके सामने। नहीं सही में बात ये नहीं, आप यहाँ में और मुंबई में एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि मुंबई बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ चलती है। यहाँ पे देखा जो भी मिलता है राधे राधे। मैंने तो बीबी को बोला, शुक्र राधे 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 राधे। वो कहती है अरे क्या हो गया, तो मैंने कहा राधे राधे बोलो राधे राधे। तो मुझे आदत पड़ गई राधे राधे बोलने की। इतना मोहब्बत, इतना जज्बात, इतनी चीज़ें, मैं जिनके यहाँ रुका हूँ वो मुझे लगता है जैसे मेरे ही घर है। वो मतलब सुबह उठते हैं तो ऐसे रहते हैं, अरे भाई बात ही ऐसे करते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वो लोग ख़राब हैं, वहाँ फास्ट इतना है, वहाँ तेज़ी इतनी है कि किसी के पास टाइम नहीं है। सुबह बहुत व्यस्त रहते हैं लोग। अब कोई गया यहाँ से 2 महीने हो गए उसको, मान लो 2 महीने रहे, अब 2 महीने में कुछ हो नहीं रहा, तो फिर लगता है यार अब तीसरा महीना कैसे निकलेगा। फिर ये दुकानों के पास पहुँचते हैं, फिर दुकानों की दुकानें शुरू हो जाती हैं। वो क्या करते हैं, हाँ भाई कहाँ से आया, इटावा से, अच्छा नहीं 2.5 लाख छोड़ो, वो शुरू करेंगे छोटे छोटे से, क्योंकि पहले वो हाँ पता करेंगे, चीज़ें करेंगे, फिर आपके हिसाब से। मतलब मैंने तो यहाँ तक देखा है कि एक बंदे से 2.5 लाख मांगे, 2.5 लाख नहीं सर, 2.5 लाख नहीं है, कितने हैं, 50,000, हाँ दे दे। अरे यार मतलब हाँ तो दुकान ही है ना, लेकिन उन दुकानों को बढ़ावा कौन देता है, आप लोग। देखो आ जा। एक मिनट माइक ले, इसकी बात तो सुननी है। हाँ बोल। सर फोन पे उन्होंने 20,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए थे। 20,000? मैं कहा था मैं किधर था, मुझे 20 रुपए दे देता। 20,000? सर वो तूने दे भी दिए? सर मैं जानता नहीं था, मतलब सर 2 साल पहले की बात है, आज से 2 साल पहले 20,000, अभी तो आज का 40-50,000 हो गए। मतलब नहीं चलते रहते हैं। हाँ फिर तो 20,000, फिर क्या, फोन बंद कर दिया, नंबर बंद, सब कुछ। अच्छा मतलब उसने बंद कर दिया सब कुछ। सर शाम तक तो मेरे से बात करता रहा कि हाँ आपको टिकट भी भेजेंगे, ये भी करेंगे, हाँ। वो भी करेंगे, एड्रेस भेज दो, मैंने सब भेज दिया। और जैसे मैंने रात को फोन मिलाया उसे, मतलब नंबर बंद, ये नंबर सुविधा में ही नहीं। सुविधा में नहीं। और ये असुविधा में आ गया। अरे सर पापा ने बहुत गाली दी थी मुझे। हाँ? मारा नहीं, तोड़ा नहीं तेरे को? तोड़ा नहीं था, बच गया था। क्यों नहीं? तो वो मैडम क्लियर बताती है सर की तरह, जो बात होती है वही बताती है। उन्होंने विपुल भट्ट जी का एड्रेस दिया था, फ़ोन नंबर दिया था, उनके पैकेज हैं, मैं भी जुड़ चुका हूँ उनसे, मैंने भी करीब 6 महीने चलाया है उनका चैनल। उनके पैकेज हैं समथिंग 1,000 रुपये का 6 महीने का, या 2,000 रुपये का 1 साल का, इस तरह से पैकेज हैं उनके। तो मैंने 3 महीने का पैकेज लिया था, उस पर आते हैं, उससे लोगों को ये लगता है कि हमने जो पैसे दिए हैं हमें कॉल आ रहे हैं। देखिए देखो, आपकी तसल्ली कर दी, काम हो गया। और सर कम से कम 1,000 लोग जुड़े हुए हैं उनसे, ये बता दूंगा आपको, 1,000 लोग। अब मेरा बात कहने का मतलब सुनिए, देखिए 1,000 से आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितने बैठते हैं। देखो ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना,
मैंने तो नहीं कहा ना, ये आपने खुद ही। एक सावधान इंडिया में काम करते हैं बंदे, उनका भी एक चैनल है, वो भी मैंने देखा था एक बार, उनको उनका नंबर भी देते हैं व्हाट्सएप अपना नंबर, मैंने उस नंबर पर कॉल किया उनको, तो उन्होंने कॉल उठाया मेरा, बात की, उनका पर मंथ का 1000 रुपीज़ का है व्हाट्सएप। उन्होंने भी कहा था कि आप मुझे भेजिए इतने पैसे, आपको अपडेट मिलेंगी, नई नई जगह बताएंगे आपको ऑडिशन के लिए, और आपका डेफिनेटली चुनाव होगा उसमें, हो गया, काम मिलेगा, हो गया। मैंने दिया ही नहीं सर, मैंने नहीं दिया सर। अच्छा एक मिनट, आप में से कितने, आपने भी कहा कि आप में भी उसमें, नहीं नहीं आप सब उसमें व्हाट्सएप में जुड़े हुए ना ग्रुप में, देखिए सुनिए, नहीं नहीं बात सही है, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब कि चाहे वो ये सब कहीं ना सबका ये चल रहा है, सबका ये चल रहा है। मैंने कहते हैं अपना सपना मनी मनी। मैंने आज तक कभी आपको नंबर दिया? नहीं सर आपने नहीं दिया। मैंने कभी आपको बोला मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ? नहीं सर। मैंने कभी कहा कि मेरे स्कूल में आ जाओ? नहीं सर। मैंने कभी कहा मेरी मेरी टीम बनी आप टीम में आ जाओ इतना लगेगा पैसा? क्यों नहीं, मैं आता हूँ, मेरा 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 कोई ग्रुप नहीं है, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है मेरा, और ये सब बिजनेस है, यू नो। आप सोचो ना, अगर अगर 300 रुपये दे रहे हैं 70 लोग, तो महीने का दिन का आ रहा पैसा। ये ऑफर तो मुझे मिला पहले तो कुछ दिन के लिए, क्या ये ऑफर है? ये ऑफर है कम से कम 10 से 15 दिन तक फ्री ऑफर आते रहे। बोले मैं आपकी फ्री सेवा करता हूँ, तो इसके लिए बोले मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इसका कुछ चार्ज लगेगा? मैंने सर बताइए, तो बोले 300 रुपये एक महीने का है, 1000 रुपये 6 महीने का। मैं सर ये तो फिर धंधा हो गया, मैं पर आपका धंधा इतना मंदा है कि सर आप तो लोगों को पागल बना रहे हो। तो बोले तो मुझे तुरंत वहाँ से निकाल दिया, तुरंत ग्रुप से मेरा नंबर ब्लॉक मार दिया। क्योंकि क्या है ना, क्योंकि हैं मैं वही बोल रहा, देखो व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी बात है, नुकसान नहीं खाया, क्योंकि पहले जब आपका चैनल सब्सक्राइब किया था उसके बाद भी आपने कहा था ना कि अगर टैलेंट है तो मुंबई आपको बुला रही है। बिल्कुल, ऐसे बांह फैला के खड़ी है मुंबई। बिल्कुल सही में, अगर आपके पास कला है तो आपके कदरदान बहुत हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे थे, तो आपको एक आस हो जाती है यार, चलो 300 रुपये महीने का है, चलो ठीक है यार, पैकेज यार 100 रुपये महीना हो गया, 300 रुपये महीना हो गया, चलो कोई ना कोई तो मैं कहीं ना कोई काम बन जाएगा। लेकिन 300 करते कितने लोग हो गए, तो उसके बाद क्या चल रहा है, उसके बाद कितने लोगों को काम मिला, मुझे तो ये बताओ ना, कितने लोगों को काम मिला? काम नहीं मिलता इतनी जल्दी, राइट? तो ये इसके मैं खिलाफ हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर आप में हुनर है, आप प्रोडक्शन हाउस में जाओ, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट दर्पण श्रीवास्तव के पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोडक्शन हाउस जाएं, वहाँ पे ऑडिशन दें, और जो सही प्रोडक्शन हाउस हैं वहीं जाएं। सिंपल सा फंडा है यार, मान लो एक, अब आप मुंबई पहुँच गए, अब आपको लगता है यार अभी तो आ गया, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ ऑडिशन दूँ, यही दिमाग में आता है ना सबसे पहले, कहाँ ऑडिशन दूँ। 20 जगह भागने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है जय मेहता प्रोडक्शन का नाम तो सबको अभी समझ में आ गया, जय मेहता प्रोडक्शन, राइट? अब जय मेहता प्रोडक्शन आप जाओगे कि मुझे ऑडिशन देना है, वो बोलेगा नहीं भाई तुम्हारे लिए कोई रोल नहीं है, तो मैं कब आऊँ? अगले महीने 3 तारीख से ऑडिशन शुरू होंगे, आपने नोट कर लिया, अगली बार वही 3 तारीख को पहुंच जाओ, सर ऑडिशन आज नहीं, आपके लिए अभी कोई रोल नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे आपने 10 प्रोडक्शन हाउस ढूंढ लिए, सबके अपडेट मिल गए, काम शुरू हो गया, पैसा भी नहीं देना पड़ रहा, एक रुपया किसी को नहीं देना, क्योंकि उनकी दुकानें आप ही चलाते हो ना, आपने 300 दिए तो दुकान आपने चलाई ना उनकी, आपने 300 दिए, 300 भाई 1000 रुपये दिन का हो गया, तो ये तो दुकान आपने चलाई ना। अगर आप नहीं देते तो क्या उनकी हिम्मत थी कि आपकी जेब से निकाल ले? आपने एक दिया, उन्होंने ले लिया, वो तो बोले भैया हमने तो मांगे थे, आपने दे दिया, बात खत्म हो गई। आप, मैंने बोला था प्रिया यादव जी हैं, वो अभी वो आ रही हैं, उनकी माता श्री हैं ये, और ये जगह जो मिली है हमें परिवार को वो इनकी बदौलत है, इन्होंने ही जगह करवा के दी। क्योंकि मैं तो ढूंढ रहा था, क्योंकि यहाँ एक नए शहर में आप आते हैं तो जगह कहाँ ढूंढूँ, क्या करूँ। मुंबई में जो मीटअप किया मेरे पास जगह नहीं थी, और मैं ढूंढता फिर रहा था, और मुंबई मतलब बहुत लोग मुझसे मिलना चाह रहे थे, तो मैंने जब काफ़ी ढूंढा तो मुझे एक स्कूल है जिसमें मैंने मीटअप किया, वो स्कूल मुझे मिल गया कि सर आप यहाँ कर लो। पहले उन्होंने बोला 1000 रुपये में कर लो, मैंने 1000 रुपये तो कुछ बात नहीं, चलो मैं दे दूँगा। मीटअप से जैसे 2 बजे था, 10 बजे उनका फ़ोन आया कि सर वो जगह तो अब हम देंगे नहीं आपको। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है, कोई बच्चा कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो और मैं घबरा गया। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने 30,000 रुपये मांगे, 30,000, 1,000 से 30,000, 1,000 30,000। मैंने कहा यार ये, कहते हमें तो पता नहीं था,
हमें तो मालूम ही नहीं था कि आप क्या करने वाले हो, अभी तो यहाँ 100-200-300 बच्चे आएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा यार 30,000 तो मेरे पास नहीं है। फाइनली मैंने उनसे बात करी, मैंने उनको समझाया कि देखो मैं कोई पैसे कमाने नहीं आया हूँ, मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तब भी उन्होंने मुझसे कहा 7,000 रुपये। मैंने अपनी जेब से 7,000 रुपये दे दिए। जब बच्चे ऐसे मिले, जब हम मीटअप करें, तो मैंने सबको बोला देखो यार यहाँ पे सब ना जो आपकी जेब में हो 10, 20, 30, 50 रख दो। आपको पता कितने पैसे इकट्ठे हुए? 6,100 रुपये। और मैंने 6,100 और मैंने उसमें बाकेट डाले और दे दिया। तो क्या ये अच्छा था ना? इसमें मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, इससे मैंने कोई काम नहीं किया। इससे क्या हुआ, इससे दुकानों की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि वो मांगते हैं 1,000, वो मांगते हैं 500। मैं कहता हूँ इस बच्चे की जेब में अगर 100 रुपये हैं, तो अगर मैं बोलूँ 1,000 रुपये में आया तो कैसे, मन तो है सर आने का, और लेकिन अगर 1,000 नहीं तो कहेगा यार 1,000 में तो मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना ऐसा करें कि यार जब मिलजुल के चलो भाई, ला 10 रुपये ला, जा 5 रुपये ला, करके हो गया काम। बेटा तू तेरी बहुत मैंने सुना, आगे आ जा बेटा, इधर आ जा बेटा, आ जा बेटा, मैं मिलवाना, ये देखो पहले ताली मारो उसके लिए। ये बहुत अच्छी डांसर, पता आपको? और देखो हुनर, बैठो, जब जज्बा इसका हो सकता है तो क्या आप लोगों को नहीं हो सकता? इस बच्ची ने मैंने इसके बारे में सब जाना है और ये आई मुझसे मिलने, मैं सौभाग्यशाली हो गया, क्योंकि इतनी गुणी और इतनी अच्छी डांसर ये। तो मैंने कहा था आजा और आई, और बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, है ना, है? चल बैठ बैठ आराम से, कहाँ बैठेगी, यहाँ तू जहाँ, तू मेरे सर पर भी बैठ सकती है, जहाँ मर्जी, ठीक है बेटा। तो पानी पी लूँ, थक गया हूँ। क्या बात, मतलब मोस्टली ज़्यादातर इन्होंने माइथो शोज किए हैं, तो जो पार्वती बनी थी किसी में आप, हाँ बजरंग बली में पार्वती का, बहुत सारे शोज थे। तो भाई तालियां, वृंदावन की एक लड़की तो है, तो आप बैठ सकती हैं, आप बैठिए आराम से बैठिए। और इन्होंने प्रिया को मैं जानता था, प्रिया ने यहाँ पे बोला, यहाँ पे पुरेंद्र जी आए नहीं जिनका ये जगह है, तो उन्होंने, इन दोनों ने ये जगह करके, जैसे आपने कहा दोनों ने, तो इन दोनों माँ बेटियों ने ये जगह दिलवाई है भाई, वरना हम पता नहीं कहाँ बैठते। संध्या ऑडिशन देने के बाद में लास्ट टाइम एक जगह कुछ हुआ, जिस टाइम आया था लव सेक्स और धोखा जो फिल्म आया था, उस टाइम जब वहाँ गया तो उन्होंने बोला आपकी सिलेक्शन हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 50,000 रुपया देना पड़ेगा काम शुरू करने के लिए। वही दिन से हिम्मत टूट गई। 2007 के बाद बिल्कुल मैंने सोचना भी छोड़ दिया कि मेरे को कुछ अब इंडस्ट्री में करना है। 6-7 महीना बाद ऐसे ही एक दिन वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तब तक एक फिल्मोनिया का वीडियो आया। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैंने उस दिन फिल्मोनिया का वीडियो देखा और वो ऐसे हुआ, ऐसे लगा कुछ फूट गया। और उस दिन का यही वीडियो था कि दुकानदारों से बच के रहना। क्या बात है। उसके बाद मैंने सारे वीडियो देखे, फिर मैं उस दिन सोचा कि अब मैं मुंबई जाऊंगा, लेकिन फिर आगे वीडियो देखा तो उस दिन भी लगा कि अभी मुंबई नहीं जाऊंगा, पहले अपने आप को उस लायक बना लूंगा कि वहां जाके मेरे को भटकना नहीं पड़ेगा, उसके बाद मैं मुंबई जाऊंगा, चाहे मुझे यहाँ 6 महीना लगे, चाहे साल भर लगे, चाहे 2 साल, लेकिन उस लायक बन के फिर वहां जाऊंगा, फिर मेरे को काम मिलेगा। क्या बात है, बहुत अच्छे। बट ये जो भी मिला मेरे को फिल्मोनिया से मिला, सो स्वीट, सो स्वीट। देखिए मैं एक बार बोलूंगा, अभी जैसे इन्होंने कहा, एक बात तो तय हो गई ना कि इनके दिमाग में एक बात आ गई कि मैं तैयारी करूंगा तब जाऊंगा, बिना तैयारी के नहीं जाना। अभी जैसे मैंने इनकी, अभी इनकी हिंदी साफ नहीं है, अभी ऑडिशन, और ये हमारी इस बेल्ट की प्रॉब्लम है, यूपी बेल्ट की प्रॉब्लम है, बिहार बेल्ट की प्रॉब्लम है कि शाह को सा, रा को रा, अड़े अड़े मैं अड़े कहाँ जा रहा है, तो ऐसा बोलते हैं वो,
तो लेकिन एक मिनट, वो प्रॉब्लम है क्या, आपने सोचा कि वो प्रॉब्लम जाएगी कैसे? नहीं सोचा। फिर क्या सोचते हो कि आप जाके मुंबई में काम मिल जाएगा? भाई कैसे मिलेगा यार, आपकी तैयारी नहीं है। आप एक्टिंग की तो बहुत दूर की बात है, नमस्कार जी, आप एक्टिंग तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो आपकी हिंदी में कमांड होनी चाहिए। आप जिस प्रोफेशन में काम करना चाह रहे हैं, आप सीरियल में या फिल्म में, वो क्या है? हिंदी भाषी है? इंग्लिश तो नहीं बोल रहे ना वहाँ पे? आप हिंदी भी साफ नहीं बोल पाते हैं तो आप किस बेस पे जाके वहाँ बोलेंगे कि यार मुझे काम दो? क्या होता है, मान लो मैं एक्टर हूँ, अब मैं घुसा किसी कास्टिंग डायरेक्टर में, मैं ऐसे आऊँगा, सर मैं बिहार से आया हूँ, यही बोलोगे? और मुझे बहुत शौक है मैं एक्टिंग करूँ, वही समझ जाएगा वो कि वो शौक है। तो वो कास्टिंग डायरेक्टर पता छूटते क्या बोलेगा कि ठीक है, वो आपको ये नहीं बोलेगा, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं कि वो आपको बोले कि यार वो नॉट फिट, अभी बाद में बुलाते हैं। फिर आपको बहुत बुरा लगता है, पता है क्या लगता है, अरे यार मैं तो बिहार से पहुँच गया यहाँ तक और इसने तो थप्पड़ मार दिया मुँह पे, इसने बोल दिया नॉट फिट। कास्टिंग डायरेक्टर ने अपनी उम्र में कम से कम 10 से 50 हज़ार ऑडिशन लिए होते हैं, उनको कितनी समझ होती है, और आपको लगता है कि वो गलत है। असल में गलत आप हैं, आपकी तैयारी नहीं है। बार बार मैं एक बात कहता हूँ यार, शक्ल मायने नहीं रखती। आप काले हो, नीले हो, पीले हो, कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपकी तैयारी कितनी है। देख कुछ आ भी गया। क्या लाया भाई? चमचम है ये। चमचम? आप भी इतने मीठे हो। चमचम भी मीठी है। शुक्रिया। जैसी आप खाना, ये किसी को ना दूंगा मैं, अपने आप खा लूंगा अकेला। देखो बात वही आ गई ना, मेरे पास शब्द ही नहीं होते यार, मतलब इतना प्यार देता हूं। सर जो इतना जो काम कर रहे हैं, मैंने अभी भी कहा था कि हमारे लिए ये समझो कि कुल्हड़ कोई भी डाल के चला जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो सर हमारे लिए वो काम कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी ने जो किया था, वहाँ देखेंगे उस पर। तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं सर से एक और बात कहना चाहूँगा, पहले भी मैंने कमेंट किया था इन पर, जो है सर के लिए शॉर्ट स्टोरी मैं लिखूँगा। क्या बात है, क्या बात है, ले लूँगा राजा। खड़ा हो, क्या नाम है तेरा? वीरू। हैं? वीरू। वीरू। ए वीरू। क्या क्या करना है फिल्म लाइन में? मुझे मतलब सॉन्ग वगैरह बनाने का शौक ज्यादा है, तो मैं एक्टिंग वगैरह करता भी हूँ और बनाने की कोशिश भी करता हूँ, पर उसमें सक्सेस नहीं हो पा। बट गाने के गाने लिखते हो? मतलब एक्टिंग करता हूँ गाने के ऊपर, मिमिक्री करते हैं जो। अच्छा, मिमिक्री करते हो। तो आने वाले भविष्य में क्या बनना चाहते हो, एक्टर? हाँ जी। क्या आपको लगता है ग्रूम है? कब से ही सोच रहे हो, कितने साल से सोच रहे हो ये बात? सोचने का तो सर बचपन से ही है। बचपन से शौक है, देखो सक्सेस नहीं हो पा रहा हूं घर से। इसलिए ना, बचपन से शौक है भाई को, लेकिन ग्रूम नहीं है। और ये अगर ऐसे मुंबई पहुंचेगा तो आपको लगता है कि काम मिलेगा, और फिर पता क्या होगा, एक वक्त ये चला जाएगा और वहां से जब निराश होकर आएगा, पता क्या बोलेगा, ये मुंबई बड़ी खराब है यार, अला हम साले हम इतने टैलेंटेड है, हमें तो काम मिला ही नहीं, छूटते गाली देगा। और हाँ, और ये बोलेगा, हाँ ये बोलेगा, अबे मुंबई मत जाना, मुंबई बड़ी ख़राब है, मेरे से तो पैसे मांग लिए। तो तीन बोलेंगे, अरे अच्छा मैं तो नहीं जाऊँगा बेटा। तो इसलिए कहता हूँ ग्रूमिंग ज़रूरी है, आपकी पर्सनैलिटी। बैठे बेटा, सॉरी यार मेरी बात से बुरा मत मानना बेटा। अरे मान भी जाएगा तो क्या है, सिंपल सी बात है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर सबसे पहले क्या देखेगा, आप एंट्री करोगे सबसे पहले देखेगा, अरे अच्छा आपकी पर्सनैलिटी, आप कैसे दिखते हो, आपके कपड़े, आपका व्यवहार कैसा है। वो घुसेगा सबसे पहले पूछेगा कि हाँ जी किससे मिलना है, मुझे ऑडिशन देना है, यही बोलोगे आप। आपकी आवाज़ से ही समझ जाएगा वो कि आपको ऑडिशन देना है या नहीं देना है, इतने ग्रूमिंग होना। मैं ऑडिशन लेना चाहता हूँ। और लौंडा ऐसे है, मैं आऊँ अंदर? ना भाई तू चला जा, ऐसा होता है। तो आपकी आवाज़, आप कभी अपनी आवाज़ के लिए काम करते हैं? नहीं करते। सही बताऊं तो आप सिर्फ फिल्म और टीवी देखते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर काम नहीं करते हैं। इसलिए शायद मैं आता हूं, इसलिए समझाता हूं कि देखो भाई
मुंबई का रास्ता आसान नहीं है, कहने को तो यहाँ से ट्रेन पकड़ के पहुँच जाओगे, लेकिन जो जो सोचा है, जो भविष्य सोचा है, वो इतना आसान नहीं है। आपकी आवाज़, आपका पहनावा सबसे पहले ये काउंट होगा, उसके बाद बात आएगी ऑडिशन देने की कि भाई ऑडिशन दे दो। अरे प्रणव जी आइए सर, ये जो जगह है, ये जगह के मालिक यही हैं और ये परिवार है सर, ये बच्चे लोग हैं और ये ऑल आर वेरी वेलकमिंग लाइक इट्स नाइस टू हैव यू हियर। ताली मार दो। माय सेल्फ पुणेंदू पुणेंदू आई एम रनिंग दिस प्लेस सिंस 1996 my throat is not working well, this is my school, I have 200 children and अच्छा हिंदी बोलने ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये बच्चे हिंदी ज़्यादा जानते हैं। हिंदी भाषी है सर। हिंदी 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 इनकी हिंदी भी इनकी नहीं नहीं सर हिंदी इन बता दूँ आपको हिंदी इनकी बड़ी क्लिष्ट है, बहुत अच्छी हिंदी। मैं बिल्कुल दोनों भाषाओं में बहुत अच्छी से कंफर्ट हूँ। हाँ ये स्कूल मैं सन 2006 से चला रहा हूँ। ये स्कूल जो क्या है 200 बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, ये वो काम करते हैं और इन बच्चों को जो है मेरा उद्देश्य यही है, मैंने अपने जीवन का यही लक्ष्य बनाया हुआ कि मैं आज मुझे लगता है कि देश में मंदिरों से ज़्यादा स्कूलों की आप एक बच्चे को पढ़ाते हैं तो एक पूरी जनरेशन चेंज कर, इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। आप लोग आए हो यहाँ, मैं आप लोगों से भी यही कहूँ, मैं दान देने में या इसमें विश्वास नहीं रखता, आपके आस पास जहाँ कहीं भी आपको दिखे कोई गरीब बच्चा अगर उसको पढ़ा सको, उसको स्कूल भेज सको, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो इन्होंने नहीं देखो उनका यही हुआ कि जब मैंने इनको कहा कि और मतलब प्रिया और उनकी मम्मी ने जब इनको कहा और मैं जब इनसे मिला तो इन्होंने कहा कि क्या करना चाह रहे हैं, मैंने कहा भाई मैं तो परिवार से मिलना चाह रहा हूँ और बैठेंगे बातें करेंगे और मैं ये करता हूँ कि मैं हर शहर में जाता हूँ और मिलता हूँ और मैं कुछ लेता नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ दुआएँ लेता हूँ। तो इन्होंने कहा भाई तो इन्होंने कहा कि आप बेहिचक आइए। जोर से बोला कर यार, यार मेरी आवाज चौड़ा में जा रही है, इसकी क्यों नहीं आती है यार। मेरा नाम प्रतीक सेना है। एक मिनट सुन, सबसे पहले एक चीज आपकी आवाज में होनी चाहिए कि आपकी आवाज वहां तक जाए। अगर मैं ऐसे अच्छा कितना फर्क अगर मैं ऐसे बोलूं, और कैसे हो तुम, सब ठीक है, मैं तो बढ़िया हूँ आराम। तो कनेक्टिविटी कैसे बनती है जब आपकी आवाज वहां तक जाए। हाँ बोलिए सर। मेरा नाम प्रतीक सेना है सर, मैं मथुरा से हूँ सर। मैंने अपनी अपनी एक डांस एकेडमी खोली है, मैं डांसर हूँ, मैं डांस सिखाता हूँ। क्या बात है, वाह वेरी गुड। देखो डांस तो भविष्य क्या सर, मैं अपने स्टूडेंट्स को मतलब ऊंचाई पर देना चाहता हूँ, ऊंचाई भी देखना चाहता हूँ, लेकिन क्या करना चाह रहे हो, आगे क्या करना चाहते हो। वो तो ठीक है, डांस सिखाते हो, आपके बच्चे आपसे सीखते हैं, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट सर। मुझे डांस में जाना है, बहुत डांस में जाना है, उसके लिए क्या तैयारी है सर। मैं डांस अपना सिखाता हूँ, अपना सिखाते हो बेटा, सिखाते तो हो, आप सिखाते हो, आप डांसर हो, तो क्या यही सपना है कि यही डांस सिखाना और लोगों को मतलब डांस सिखाना, या आगे कुछ करना है जिंदगी में। मुझे बनना है डांसर, बहुत डांसर बनना है ना, तो उसके लिए क्या करोगे, प्रैक्टिस सेल्फ प्रैक्टिस। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जाऊंगा मैं मुंबई तो यही तो पूछे जा रहा हूँ, मुंबई जाएगा ना yes, तो तैयारी कर, मुंबई जाओ। और भाई अगर कोई सिखाता है, गुरु तो गुरु होता है, चाहे वो डांसर हो चाहे कोई भी हो, गुरु गुरु होता है, तो अच्छा काम कर रहे हो भाई, थैंक यू सो मच। लड़की ने हिम्मत करी पूछने की, बताने की। सर मेरा नाम आंचल सिंह है, मैं भरतपुर राजस्थान से आई हूँ और मैं कोरियोग्राफर भी हूँ। क्या बात, अरे वाह, मैं मेरा डांस फॉर्म क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस, ओके। और एक्टिंग में मुझे शुरू से बचपन से इंटरेस्ट है।
सर कुछ टाइम पहले मेरे पास एक कॉल आई थी, तो मतलब मैंने ऐसे ही जीमेल पे मतलब ऐसे ही मेल किया था, मेरे पास एक कॉल आई और उन्होंने बोला कि है ना आंचल ऐसे ऐसे मतलब आपका एक सीरियल में हो गया सिलेक्शन हो गया है और आपको है ना अपना एक क्लिप व्लिप भेजना या फिर आप है ना मुंबई आके अपना ऑडिशन दे दीजिए। मैंने बोला ओके देन ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मैं व्हाट्सअप करती हूँ आपको एड्रेस वगैरह। मतलब ठीक है, मैं हाँ बिल्कुल आप कीजिए। तो उन्होंने किया, तो फिर वापस से उनकी कॉल आई, तो वो बोलती हैं कि है ना आप एक काम कीजिए, और मैंने पूछा था मतलब मैंने ही कॉल किया था, उन्होंने बोला, मैंने बोला कि है ना मतलब ऑडिशन मैं ऑनलाइन दे सकती हूँ क्योंकि दे सकते हो ना। हाँ बिल्कुल आप ऑनलाइन दे सकते हो, अगर आप नहीं आ सकते हो तो बिल्कुल दे सकते हो, क्योंकि उन्होंने जो बोला था कि टाइम लिमिट जो दी थी वो 2 डेज की दी थी, आफ्टर 2 डेज कितने में आपको देना है। मैं कसम मैं इतना तो नहीं कर पाऊंगी इतनी जल्दी, एकदम से यहाँ से बॉम्बे नहीं हो पाएगा, आप ऑनलाइन दीजिए। मैं ठीक है सर मैं दूंगी, ओके मैम। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ना आपको है ना मतलब स्क्रिप्ट वगैरह सेंड कर दूंगी आप दो। मैं ठीक, अब उन्होंने बोला कि उसके बाद मैं आपको अकाउंट नंबर सेंड कर रही हूँ 3000 रुपये। 3000 रुपये, अच्छा 3000 रुपये। मैं सोच रही थी, मैंने कहा नहीं सर ने बोला था किसी को पैसे नहीं देने। तो मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने बोला कि मैम मैं इतना नहीं कर सकती, मेरी मतलब फैमिली कंडीशंस भी नहीं है और मेरे पास है भी नहीं, तो मैं नहीं दे सकती। अच्छा ठीक है 1000 करके दे दो। बताओ पर दे दो, और टाइम भी दिया था 2 बजे तक कर देना, अकाउंट नंबर सब कुछ सेंड था। मैंने सोचा मैं नहीं सर ने मना किया नहीं देना। फिर से कॉल आया 2 बजे, आंचल क्या हुआ तुम्हारा 2 बजे तक का टाइम था। मैंने कहा मैम मैं नहीं कर सकती। ठीक है 500 500। अच्छा 500 500 भर गए। तो देन टाइम निकल गया और नाइट में मेरे पास मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, आंचल क्या हुआ जो तुमने बोला था। तो मैंने कहा मैम नहीं सॉरी मैं नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, तुम्हारे जैसे लोग ही ना इस जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अच्छा मैंने बोला दर्पण श्रीवास्तव को सर को जानती हो? हाँ जानते हैं। ब्लॉक। उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। देखो ये सर जैसे आपने अभी इन भाइयों को बताया था ये गाने वगैरह लिखते हैं, तो ये चीज़ मैं भी करता हूँ। आपने बताया था कि मतलब जीमेल वगैरह पे करना, उसको भी रिस्पांस नहीं होता। हाँ, नहीं होता। तो मैंने भी किया, कोई रिस्पांस नहीं मिलता सर। और आपने जैसे बताया कि मुंबई आप जाओ, तो सर जैसे और के लिए नहीं कह सकता, जैसे कि मैं हूँ, बहुत से बंदे जॉब वगैरह करे, परिवार की जिम्मेदारी वगैरह जॉब करते हैं, तो सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा ना ये चीजें वहाँ पे। देखो सिंपल सी बात है, या तो फिर नौकरी कर लो ये आप।